हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वंस अगेन वेलकम बैक टू अरे गेमिंग चैनल। मैं हूं एरो आईबी और ये वीडियो होने वाली है हाउ टू मेक अ परमानेंट स्क्वाड। तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि स्क्वाड तो हम लोग बना लेते हैं लेकिन उसमें काम बन नहीं पाता है, वो स्क्वाड परफेक्ट नहीं होती। उसके पीछे का रीज़न होता है जो प्लेइंग स्टाइल होती है प्लेयर्स की, वो सब कुछ फुलफिल नहीं करती है। तो मैं यहाँ पे बताऊँगा कि कैसे कैसे प्लेयर्स होने चाहिए स्क्वाड में और उनके क्या रोल होने चाहिए और क्या क्या खूबियाँ उन प्लेयर्स में होने चाहिए। ये सब बातें ध्यान में रखोगे तुम्हारी स्क्वाड इतनी अच्छी हो जाएगी कि तुम टूर्नामेंट में भी अच्छा परफॉर्म करोगे, तुम रैंक पुशिंग करना चाहो, ग्रैंड मास्टर पुश करना चाहो, वो सब कुछ बड़े आराम से कर लोगे। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, अगर उनको नोटिफिकेशन नहीं आती है तो आप एक काम करो, आप एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा के ऑल पे सेट कर लो। और अगर आप नए हो यहाँ पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना आप भी मत भूलना। तो अब एक स्क्वाड में टोटल 4 प्लेयर्स होते हैं। अब इन 4 प्लेयर्स को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं ताकि जो हमारी पूरी स्क्वाड है उसकी जो फाइटिंग स्टाइल है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके। तो सबसे पहले जो एक स्क्वाड में हमको चाहिए होता है वो होता है रशिंग पेयर। रशिंग पेयर मतलब हमको एक रशर नहीं, 2 रशर चाहिए होते हैं। अब रशर होता क्या है और उस रशर में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए ताकि हम कह सकें कि हाँ ये एक बहुत ही बेहतरीन रशर है और इसको स्क्वाड में लिया जा सकता है। और हम रशर की पहचान कैसे करेंगे? रशर वो है जिसका क्लोज रेंज बहुत अच्छा हो, मतलब वो क्लोज रेंज फाइट बहुत अच्छी तरीके से लेना जानता हो। उसकी मूवमेंट स्पीड काफ़ी तेज़ होनी चाहिए क्योंकि जब भी हम रश करते हैं वहाँ पे ग्लू वॉल स्पीड होती है, मूवमेंट स्पीड होती है, जिसकी वजह से हम एनिमी से बचते हैं। क्लोज रेंज फाइट में 2 फेज़ आते हैं, एक फेज़ में हम एनिमी पे अटैक करते हैं और एक फेज़ में हम एनिमी से डिफेंस करते हैं अपनी मूवमेंट स्पीड से या फिर ग्लू वॉल लगा के या फिर कवर में जाके। ठीक है, तो क्लोज रेंज फाइट में हमको अटैक करना भी आना चाहिए और मूवमेंट स्पीड से अपना डिफेंस करना भी आना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने स्क्वाड में सबसे पहले बोला रशिंग पेयर, मतलब एक रशर नहीं, 2 रशर चाहिए और इन दोनों रशर का जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो बहुत ही सटीक होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर वो दोनों एक दूसरे पे भरोसा नहीं करेंगे, एक दूसरे के कॉल्स को नहीं समझेंगे तो क्लोज रेंज में तुम्हारी टीम कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज है रशिंग पेयर का कि जब भी 2 लोग एक साथ रश करते हैं अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ तो कई बार ऐसा होता है कि एक बंदा डैमेज देता है और दूसरा बंदा नॉक करता है, या फिर अगर एक बंदा नॉक भी हो जाता है तो दूसरा वाला अच्छा कोऑर्डिनेशन दिखा के उसको रिवाइव भी कर देता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरीके के 2 बंदे मिल जाते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन अच्छा है, जिनका क्लोज रेंज अच्छा है और मूवमेंट स्पीड अच्छी है, तो यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ है वो समझ लो एक आइडियल टीम की कंप्लीट हो चुकी। तो यहाँ पे हमारा जो 4 लोगों का स्क्वाड था उसमें से 2 की जगह तो फिल हो गई और दोनों ही यहाँ पे रशर हैं और दोनों का कोऑर्डिनेशन जो है, आपस में बॉन्डिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है। और जितने लोग भी रशर्स हो अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखो और अपने साथ अपने रशिंग पेयर का नाम ज़रूर लिखना कि जिसके साथ अगर तुम रश करते हो तो तुम्हें लगता है कि भाई सामने कोई भी स्क्वाड हो हम उनके 2-3 बंदे तो नॉक आराम से कर देंगे। तो अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्लेयर के ऊपर कि हमको तीसरा प्लेयर किस तरीके का चाहिए। तो हमारा जो 3rd प्लेयर होना चाहिए वो होना चाहिए स्नाइपर। सबको पता है कि आजकल स्नाइपर टीम में होना एक अपर हैंड दिला देता है, उससे बहुत ज़्यादा फायदे हैं। अब यहाँ पे जो तुम स्नाइपर अपनी टीम में लोगे उसमें खूबी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले उसकी स्विचिंग अच्छी होनी चाहिए, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि वो जल्दी नॉक नहीं होना चाहिए। अगर स्नाइपर ही सबसे पहले नॉक हो जाएगा ना तो तुम्हारी टीम बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएगी। स्नाइपर का काम होता है कवर फायर देना, मतलब इस तरीके से कवर फायर देना कि उसको सामने वाले नॉक ना कर पाए। जो उसका पीक लेने का एंगल होना चाहिए वो सब बहुत सेफ होना चाहिए कि इतनी आसानी से एनिमी की रीच में ना आए, एनिमी उसको आराम से देख ना पाए और टारगेट ना कर पाए, ताकि वो पीछे से प्रॉपर कवर फायर देके अपनी टीम की हेल्प कर सके। अब एक स्नाइपर करता क्या क्या है? कवर फायर देता है जिसमें जो हमारे रशर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है। जिस तरीके से 150 का डैमेज आ जाता है एनिमीज पे तो वहाँ पे रशर्स के लिए बहुत आसान हो जाता है उनको टेक डाउन करना। और इतना ही नहीं, बहुत सारे केसेस में जो स्नाइपर्स होते हैं वो अपनी टीम को फर्स्ट नॉक निकाल के भी देते हैं। और जैसे ही वो फर्स्ट नॉक निकालते हैं जो हमारा रशिंग पेयर होता है वो क्या करता है, रश करके सामने वाली टीम को वाइप आउट कर देता है। तो यहाँ पे स्नाइपर्स का बहुत ज़्यादा रोल है। इवन जो जोन के बाहर से एनिमी भागते हुए आते हैं उनको मारने में स्नाइपर का बहुत बड़ा योगदान है, मतलब गेट कीपिंग जो होती है वहाँ पे स्नाइपर से बेटर कोई भी प्लेयर नहीं हो सकता। अब मतलब हमको 3 प्लेयर तो मिल गए अपनी स्क्वाड के लिए, यहाँ पे 2 कौन थे, रशर थे और ये तीसरा हो गया हमारा स्नाइपर।
अभी भी एक प्लेयर बचा हुआ है, तो वो प्लेयर कौन होगा? यहाँ पे जो प्लेयर बचा हुआ है वो होगा सपोर्टर। अब सपोर्टर का क्या क्या काम होता है ये हम लोग को समझना पड़ेगा। सपोर्टर जो होता है बेसिकली वो मिड में रहेगा, यानी कि स्नाइपर और रशर्स दोनों के बीच में चलेगा और वो एक तरीके से दोनों की हेल्प करेगा। अब इमेजिन कर लो हमारा स्नाइपर जो है वो गलती से नॉक हो जाता है, तो उसको जो हमारा सपोर्टर है वो जाके रिवाइव दे सकता है, क्योंकि रशर्स जो होंगे वो तो फ्रंट फुट पे खेल रहे होंगे, आगे होंगे, तो वो पीछे जाके स्नाइपर को रिवाइव नहीं दे सकते, वहाँ पे सपोर्टर रिवाइव देगा। या फिर जो हमारे रशर्स हैं यानी कि रशिंग पेयर जिनको हम बोल रहे हैं, अगर वो क्लोज रेंज फाइट ले रहे हैं और बाई चांस ऐसा फील हो रहा है उनकी हेल्थ बहुत कम हो गई है या फिर दोनों को हेल्प की ज़रूरत है, तो जो हमारा सपोर्टर है ये भी क्लोज रेंज में जाके फाइट ले सकता है। मतलब ये कवर फायर भी देगा, क्लोज रेंज भी फाइट लेगा मौका पड़ने पे, और अगर हमारा स्नाइपर जो है नॉक होता है या फिर उसको हेल्प की ज़रूरत होती है तो जाके उसको भी हेल्प करेगा। सपोर्टर का रोल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसे सुनने में लगता है यार बस ऐसे ही सपोर्टर का कोई रोल नहीं है, ये तो बस नॉर्मल सा है, मतलब काफ़ी ईजी होता है सपोर्टर का रोल निभाना, बट असली में सपोर्टर का रोल निभाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ों पे ध्यान रखना होता है। तो गाइज अगर अभी हम देखें तो हमको चार के चार प्लेयर मिल चुके हैं, मतलब दो रशर्स मिल चुके हैं, एक सपोर्टर और एक स्नाइपर। तो अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे कि ग्रेनेड एक्सपर्ट। अब इन चार प्लेयर्स में से ग्रेनेड एक्सपर्ट किसको होना चाहिए, यानी कि जो हमारे रशर्स हैं उनमें से कोई ग्रेनेड एक्सपर्ट होना चाहिए, या फिर स्नाइपर को होना चाहिए, या फिर सपोर्टर को होना चाहिए, बेस्ट चीज़ क्या होगी? तो यहाँ पे अपनी टीम में हमको दो ग्रेनेड एक्सपर्ट चाहिए होते हैं। तो एक सपोर्टर जो कि बीस्टन यूज़ करेगा, साथ में अल्वारो भी यूज़ कर सकता है। अब यहाँ पे वो बीस्टन अगर यूज़ करता है उसका फ़ायदा ये है कि वो एक अच्छे खासे डिस्टेंस पे रह के नेडिंग कर सकता है, जिस नेडिंग की वजह से जो हमारे रशिंग पेयर हैं यानी कि दो रशर्स हैं वो आराम से एनिमी को फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि एनिमी का जो ध्यान है वो वहाँ पे डाइवर्ट होगा नेड्स की वजह से, और हमारा रशिंग पेयर आसानी से वहाँ पे जाके क्लोज रेंज में फाइट ले पाएगा। अब यहाँ पे दूसरा ग्रेनेड एक्सपर्ट इन दो रशर्स में से एक रशर होना चाहिए, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जो सपोर्टर है वो काफ़ी करीब में हो और करीब से नेडिंग कर पाए। अगर यहाँ पे उन दो रशर में से एक रशर नेडिंग भी साथ में बीच बीच में कर देगा तो उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पे ग्रेनेड एक्सपर्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रेनेड एक्सपर्ट का दो काम होता है। एक होता है जो हमारे रशर्स हैं यानी कि जो हमारा सपोर्टर एज अ ग्रेनेड एक्सपर्ट काम करता है, तो वो हमारे रशर्स की हेल्प करेगा नेट डाल के, और दूसरा काम होता है वहाँ पे सेम फर्स्ट नॉक निकाल के देना, यानी कि एंट्री फ्रैगर का काम करना। अगर एंट्री फ्रैगर का काम यहाँ पे ग्रेनेड एक्सपर्ट कर रहा है तो भी बहुत एडवांटेज है, क्योंकि ग्रेनेड्स एक ऐसी चीज़ है जिससे फर्स्ट नॉक निकालना बहुत आसान हो जाता है, और अगर वही बीस्टन यूज़ कर रहा है वो सपोर्टर और पहला नॉक निकाल के दे रहा हो, फिर उसके बाद जो हमारे रशर्स हैं वो जाके स्क्वाड वाइप कर रहे हैं, तो उससे भी बहुत एडवांटेज है। तो अब अगर हम देखें हमारे पास दो रशर्स हैं, एक सपोर्टर है और एक स्नाइपर है, और हमारा जो सपोर्टर है वो यहाँ पे ग्रेनेड एक्सपर्ट का भी काम कर रहा है, और हमारे दो रशर्स में से एक रशर भी ग्रेनेड एक्सपर्ट का काम कर रहा है। इतना चीज़ हमको पता चल गया कि हमारी टीम में होना चाहिए। अब इसके बाद जो लास्ट चीज़ आती है वो आती है कि टीम को लीड कौन करेगा। मैंने बहुत सारी टीम्स देखी है जिनमें कोई लीडर ही नहीं होता है, कोई IGL नहीं होता है, यानी कि चार के चार बंदे अपना अपना बताते कि भाई यहाँ चलो, ये करो, अभी फाइट लो, अभी पीछे हटो, ऐसा नहीं होता है। आपको एक IGL चाहिए अपनी टीम में, यानी कि इन गेम लीडर एक होता है, ठीक है, जो सारे डिसीजंस लेता है। वो एडवाइस सबसे ले सकता है लेकिन डिसीजन वो खुद लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे IGL कौन होना चाहिए, क्या वो रशर होना चाहिए, क्या वो सपोर्टर होना चाहिए, या फिर वो स्नाइपर होना चाहिए, सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, और जो हमारा इन गेम लीडर है उसके ऊपर कम से कम प्रेशर कब आएगा। तो सबसे बेस्ट जो रहेगा IGL वो अगर सपोर्टर बनता है, यानी कि जो हमारा सपोर्टर है वो IGL बनता है, तो बहुत सही है, क्योंकि वो अपने स्नाइपर को भी अच्छे से देख पा रहा है, उस पर भी नज़र रखे हुए, उसकी पोजीशन भी देख रहा है, हमारे रशर्स के ऊपर भी नज़र रखे हुए, उनको भी सपोर्ट कर रहा है, और उसके पास सोचने का टाइम भी है। बिकॉज अगर हम कंपेयर करें रशर्स और स्नाइपर से तो हमारे रशर्स इंटेंस फाइट में बिजी होते हैं, यानी कि वो ग्लू वॉल लगा रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो उस पोजीशन पे वो अपने माइंड को ज़्यादा चला नहीं सकते अपार्ट फ्रॉम द फाइट, यानी कि वो अपने टीम को क्या करना है ये कॉल नहीं दे सकते, वो बस खुद का वहाँ पे देख सकते हैं कि उनको कैसे बचना है, उनको कैसे नॉक करना है, और कैसे अपने लीडर की बात सुननी है। वो इससे ज़्यादा अगर गौर करेंगे तो वो क्लोज रेंज में प्रॉपर फाइट नहीं ले पाएंगे। और यही सेम चीज़ आती है स्नाइपर के साथ भी,
एक स्नाइपर अपने एम लेने में काफ़ी बिजी होता है, क्योंकि अगर वो कवर फायर नहीं देगा तो क्लोज रेंज में काफ़ी दिक्कत आ सकती है रशर्स को। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा स्नाइपर होता है वो जो फाइटिंग एरिया होता है उससे थोड़ा दूर होता है, यानी कि वो कवर फायर थोड़ा दूर से दे रहा होता है, तो वहाँ पे अंदर क्या क्या सीन चल रहा है तो वो स्नाइपर को नहीं पता होता है। अगर उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वहाँ पे किस तरीके से फाइट हो रही है, जस्ट वो लॉन्ग रेंज से कवर दे रहा है, तो वहाँ पे वो अपनी टीम को कॉल नहीं दे सकता। मतलब वो अगर इन गेम लीड करेगा तो वो प्रॉपर लीड नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वहाँ पे एग्जैक्टली चल क्या रहा है। वही अगर हम सपोर्टर की बात करें तो वो स्नाइपर से भी करीब है, वो रशर से भी करीब है, उसको एग्जैक्टली समझ में आ रहा होता है कि अभी चल क्या रहा है, वहाँ पे उसके पास सोचने का भी टाइम रहता है। तो इसीलिए अगर सपोर्टर एक इन गेम लीडर बनता है, IGL बनता है, तो वो सबसे बेस्ट चीज़ है। तो फाइनली हमारी टीम पूरी तैयार हो चुकी है। यहाँ पे हमारे पास दो रशर हैं, एक सपोर्टर है, एक स्नाइपर है, और यहाँ पे ग्रेनेड एक्सपर्ट का काम कौन कर रहा है? सपोर्टर, और इसके साथ साथ हमारा रशिंग प्लेयर में से एक बंदा। और इसके अलावा अगर इन गेम लीड की बात करें तो सपोर्टर अगर इन गेम लीड करता है तो वो सबसे बेस्ट होता है। और हाँ, आप लोग डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए। वहाँ पे ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड इवेंट्स भी होने वाले हैं, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर मुझसे होगा तो आप लोग डिस्कॉर्ड पे आके पूछ सकते हो। डिस्कॉर्ड का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन कर लेना। और फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मैं इसी तरीके से और ज़्यादा वीडियोस बनाऊं और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताऊं। और हाँ, बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आ रही जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप लोग एक काम करना, अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करना, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट करना मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर फैमिली।